बजट आने वाला है, पूरे देश को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। देशवासियों को उम्मीद है कि मोदी सरकार का बजट ऐतिहासिक होगा। ये उम्मीदें इसलिए क्योंकि मोदी उम्मीदों के दूत बनकर आए हैं। उन्होंने लोगों को ये भरोसा दिलाया है कि वो देश को कुछ नया दे सकते हैं, जिससे देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब बजट कितना नया होगा ये 28 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बजट के पीछे की बात आपको बताएंगे। उम्मीदों का बजट है और उम्मीदों के बजट की पहली झलक राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिखाई दी। शुरू हुआ बजट सत्र। महामहिम के अभिभाषण के साथ मोदी सरकार की परीक्षा की घड़ियां शुरू हो गईं। 28 फरवरी को मोदी सरकार, या यूं कहें कि उम्मीदों की सरकार, अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। क्या होता है बजट, कैसे बनता है बजट, कौन बनाता है बजट, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि बजट सत्र के शानदार आगाज में राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए क्या कहा और किन बातों पर उन्होंने जोर दिया। व्यापार को सुगम बनाने पर होगा जोर, स्वच्छता से होगा देश का विकास, शौचालय पर होगा सरकार का जोर, सांसदों का 50% फंड स्वच्छता पर होगा खर्च, 2022 तक सभी को घर देने की योजना, सुविधा पोर्टल से सुगम होगी कारोबार की शुरुआत, जमीन अधिग्रहण में किसानों के हितों का रखा जाएगा ध्यान, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिजिटल इंडिया योजना की तैयारी, मेक इन इंडिया से विकास को बढ़ावा देने की कवायद, स्किल डेवलपमेंट योजना की होगी शुरुआत, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हिम्मत ऐप का आगाज, शहरों को आधुनिक बनाने पर सरकार का जोर, गांव और शहरों को 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य। महामहिम के अभिभाषण में इन बड़ी बातों का जिक्र किया गया। मोदी सरकार के बजट से देश की 125 करोड़ आवाम को बड़ी आस है और मोदी सरकार को इस परीक्षा में कितने नंबर मिलते हैं ये बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभिभाषण में जो बड़ी बातें कही गई हैं, उसके तहत बजट में सफाई और डिजिटलाइजेशन पर ज्यादा जोर है सरकार का। आम बजट 28 फरवरी को पेश होना है और बजट बनाने वाली टीम वित्त मंत्रालय के तहखाने में पहुंच चुकी है। ये टीम तब तक तहखाने में ही रहेगी जब तक बजट बन नहीं जाता। स्पेशल डेस्क समाचार प्लस। जो बजट आपकी जेब पर असर डालता है वो आखिर बनता कैसे है, ये कौतूहल का विषय है। वित्त मंत्री जब सदन में बजट को पढ़ते हैं उससे पहले क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। परीक्षा को तैयार मोदी सरकार। 28 फरवरी को पेश होगा बजट। अपार बहुमत देकर जिस सरकार को देश की जनता ने चुना है और जिस सरकार ने देश के प्यार को सूद समेत वापस करने का वादा किया है, अब उसकी परीक्षा का वक्त आ गया है। मोदी सरकार 28 तारीख को अपना पहला बजट पेश करेगी तो देश की निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि मोदी और जेटली की जोड़ी ने उनके लिए क्या कुछ पेश किया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो बातें सामने आई हैं, उससे विजन साफ हुआ है, लेकिन वजन तो 28 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बजट की पेचीदगियां समझा देते हैं और बता देते हैं कि जिस बजट को लेकर इतनी तैयारी की जा रही है आखिर वो बनता कैसे है।
कैसे बनता है बजट? बजट के जरिए केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां तय करने का काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार का एक कोर ग्रुप करता है। इस कोर ग्रुप में प्रधानमंत्री के अलावा वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं। अभी तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भी इस ग्रुप में शामिल किया जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने योजना आयोग को खत्म कर दिया है और नीति आयोग का गठन किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से प्रशासनिक स्तर पर जो अधिकारी होते हैं उनमें वित्त सचिव के अलावा राजस्व सचिव और व्यय सचिव शामिल होते हैं। ये कोर ग्रुप वित्त मंत्रालय के सलाहकारों के नियमित संपर्क में रहता है। वैसे इस कोर ग्रुप का ढांचा सरकारों के साथ बदलता भी है। बजट से पहले चलता है बैठकों का दौर। बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्रालय में बैठकों का एक लंबा दौर चलता है। इन बैठकों में वित्त सचिव, राजस्व सचिव, व्यय सचिव, बैंकिंग सचिव, संयुक्त सचिव के अलावा केंद्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हिस्सा लेते हैं और बजट की रूपरेखा तैयार करते हैं। इसके बाद वित्त मंत्री को बजट पर मिलने वाली योजनाओं और खर्चों के सुझाव भेज दिए जाते हैं और इन खर्चों का हिसाब मंत्रालय का व्यय विभाग देखता है। इसी तरह टैक्स से जुड़े सारे सुझाव वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट को भेजे जाते हैं। इस यूनिट का प्रमुख एक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होता है। प्रस्तावों और सुझावों को देखने के बाद ये यूनिट कोर ग्रुप को अपनी अनुशंसाएं भेजती है। पूरे बजट निर्माण प्रक्रिया के समन्वय का काम वित्त मंत्रालय का संयुक्त सचिव स्तर का एक अधिकारी करता है। बजट बनाने से लेकर बैठकों के वक्त तय करना और बजट की छपाई पर सारे कार्य करना इसी अधिकारी के जिम्मे होता है। इसलिए आपके बजट में संयुक्त सचिव की अहम भूमिका होती है। बजट बनाने में बढ़ती जाती है गोपनीयता। बजट बनाने की प्रक्रिया को इतना गोपनीय रखा जाता है कि संसद में पेश होने तक इसकी किसी को भनक नहीं लगती। इस गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक के दफ्तर को बजट पेश करने के लिए कुछ दिन पहले ही कैदखाने में तब्दील कर दिया जाता है। बजट की छपाई से जुड़े कुछ कर्मचारियों को यहाँ पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के कड़े पहरे में दिन रात रहना पड़ता है। बजट के दो दिन पहले तो नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय का हिस्सा पूरी तरह से सील कर दिया जाता है और जब तक वित्त मंत्री बजट पेश नहीं कर देते तब तक इस पूरे इलाके को खोला नहीं जाता। बजट बनाने की प्रक्रिया समझने के लिए हमें इसके इतिहास पे भी नजर डालनी होगी। 1955-56 में पहली बार हिंदी में तैयार किया गया बजट पत्र। वित्त मंत्रालय की निजी प्रेस में छापा जाता है बजट पत्र। मोरारी जी देसाई के नाम सबसे ज्यादा 10 बजट पेश करने का है रिकॉर्ड। बजट से पहले बड़े बड़े अधिकारियों के होते हैं फोन टैप। मंत्रालय आने वाले हर शख्स पर होती है सीसीटीवी की नजर। मंत्रालय में सीसीटीवी की रेंज वाली कुर्सियों पर बैठ सकते हैं लोग। प्रिंटिंग प्रेस के लोगों को दी जाती है विशेष सुरक्षा। प्रिंटिंग से जुड़े लोगों को दिया जाता है टेस्टेड खाना। बजट से पहले वित्त मंत्रालय से नहीं भेज सकते ईमेल। कैसे और क्यों गोपनीय बनता है भारतीय बजट? भारत के आम बजट की एक एक बात एक एक भारतीय की जिंदगी को सीधे सीधे प्रभावित करती है। इसके बावजूद अब तक कोई नहीं जानता कि बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली क्या कहेंगे। सवाल यह है कि बजट इतना गोपनीय क्यों होता है? भारत में अगर सबसे गोपनीय कोई सार्वजनिक चीज है तो वो बजट है।
बजट भाषण में कही गई बातें या बजट में पेश किए जा रहे प्रस्तावों को बेहद गोपनीय माना जाता है और उन्हें ठीक उसी तरह ढक कर रखा जाता है, संभाल कर रखा जाता है, जैसे कोई आदमी अपने घर में सोने को रखता है। बजट में कई मंत्रालयों की होती है भूमिका। बजट तैयार करना सिर्फ वित्त मंत्रालय का काम नहीं है, इसके लिए कम से कम 5 और मंत्रालयों के अधिकारी और अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की मदद करते हैं। कानून मंत्रालय इसमें संवैधानिक गलतियों पर नजर रखता है, ये काम कानून मंत्रालय का होता है, इसलिए वित्त मंत्री जब बजट भाषण पढ़ने संसद जाते हैं तो अपना मरून रंग का ब्रीफकेस फोटोग्राफरों को दिखाते हैं। उस ब्रीफकेस की अहमियत यही है कि उसके अंदर देश का सबसे गोपनीय दस्तावेज बंद होता है। स्पेशल डेस्क समाचार प्लस। तो आपने देखा कि कितनी जटिल प्रक्रिया होती है बजट को तैयार करने की, और अब आपको उन नवरत्नों से मिलवाती हैं जो बजट को तैयार करते हैं। नवरत्नों पर बजट का जिम्मा, सरकार के पिटारे में क्या है खास, उम्मीदों के बजट से सबको आस। फरवरी का आखिरी दिन मोदी सरकार का दिन है, क्योंकि इसी दिन उम्मीदों की सरकार आम बजट में आम आदमी के सपनों को साकार करने की कोशिश करेगी। मोदी सरकार देश को ये बताएगी उसने किया क्या और अब वो कहां कहां किस तरह खर्च करना चाहती है। उम्मीदों के इस बजट को बनाने का जिम्मा जिन नवरत्नों पर है, आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे। 28 फरवरी को संसद में पेश किए जाने वाले बजट को संतुलित बनाने के लिए जिस कोर टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई है, उससे देश को बड़ी उम्मीदें हैं। अरविंद सुब्रमण्यम, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। टीम बजट के अहम नामों में हैं अरविंद सुब्रमण्यम। ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए सरकारी खर्च बढ़ाने पर दिया जोर। शांति कांता दास, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तमिलनाडु काडर के अधिकारी हैं शांति कांता दास। वित्त मंत्रालय का अच्छा अनुभव, बजट बनाने का अलग अंदाज, कई सुधारों की चाबी उनके हाथ में, निवेशकों के रुझान को बेहतर बनाने पर जोर। रतन पी वाटल, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, पिछली सरकार के लिए भी बना चुके हैं बजट। आंध्र प्रदेश काडर के IAS अधिकारी हैं रतन पी वाटल। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के प्राइवेट सेक्रेटरी भी रहे वाटल। सरकारी खर्च के लिए अतिरिक्त फंड के जुगाड़ पर जोर। आराधना जौहरी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। आराधना जौहरी ने सरकार को कराई 22,500 करोड़ की कमाई। कोल इंडिया में 10% स्टेक सेल के ऑफर से हुई कमाई। राजीव महर्षि, फाइनेंस सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। 1978 बैच के राजस्थान कॉडर के IAS अधिकारी हैं महर्षि। नई सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के पद पर बिठाया। हाई ग्रोथ के लिए बजट में नए प्रावधान पर जोर। हंसमुख अधिया, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अधिया गुजरात सरकार में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस रह चुके हैं। बैंकिंग सेक्टर को रफ्तार देने के लिए कोर ग्रुप में शामिल किया गया। 1981 बैच के IAS अधिकारी हैं अधिया। बीमार बैंकिंग सेक्टर की सेहत सुधारने पर होगा जोर। अनीता कपूर, चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस। 1978 बैच की IRS अधिकारी हैं कपूर। टैक्स पॉलिसी में है व्यापक अनुभव। टैक्स पॉलिसी और लेजिस्लेशन में किया है काम। मुश्किल परिस्थितियों से निपटने में माहिर हैं कपूर। वोडाफोन और शेल मामलों में सरकार को दिया सुझाव।
रजत भार्गव ज्वाइंट सेक्रेटरी बजट। 1990 बैच के आंध्र प्रदेश बॉर्डर के आईएएस अधिकारी हैं भार्गव। बजट के ब्लू शीट को मेंटेन करने की जिम्मेदारी है भार्गव के कंधों पर। बजट के दस्तावेजों की समय पर और त्रुटि रहित प्रिंटिंग की जिम्मेदारी भी उन पर। कौशल श्रीवास्तव चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स 1978 बैच के आईआरएस अधिकारी। श्रीवास्तव चेयरमैन बनने से पहले बोर्ड के सदस्य थे। बजट में जीएसटी से संबंधित प्रावधान पर होगा जोर। ये वो नवरत्न है जो मोदी सरकार के बजट को शानदार बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और जिनके हिसाब से ही सरकार आने वाले एक साल में अपने वित्तीय खर्च का हिसाब किताब तय करेगी। इन नवरत्नों के जिम्मे ही होगा कि टैक्स में आपको कितनी छूट मिलने वाली है और फिर कौन सी चीज महंगी और कौन सी सस्ती होने वाली है। स्पेशल डेस्क समाचार प्लस। देश के हर वर्ग को हर हिस्से को मोदी से और उनके नवरत्नों से आस है कि इस बार का बजट खास होगा, क्योंकि अगर अच्छा बजट तो हर बार पेश होता है। बजट से बदल सकती है देश की तस्वीर। क्या मोदी सरकार पेश करेगी सपनों का बजट? बजट पर आंखें गड़ाए बैठे लोगों को उम्मीद है कि मोदी उनके सपनों को नया आयाम देंगे। छोटे छोटे उपायों की बात करने वाले वित्त मंत्री अरुण जेटली जब अपनी पोटली खोलेंगे तो कुछ गजब का निकलेगा। अभिभाषण में जो बातें निकलकर सामने आई हैं, उससे ये बात तो साफ हो गई है कि ज्यादा नया शायद कुछ न हो, लेकिन नौजवानों में इस बात का कतई इंतजार नहीं है कि मोदी सरकार आर्थिक सुधारों के लिए धीरे धीरे कुछ करे जिससे पांचवें साल में उन्हें राहत मिले। इसलिए बजट मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा मौका है। लोगों को अब गजब का बजट चाहिए, अच्छा बजट नहीं। अच्छे तो सभी आंकड़े होते हैं, अच्छा ही तो करना चाहेगी कोई भी सरकार, लेकिन मोदी से लोगों को यह उम्मीद है कि वो क्रांतिकारी बजट लाएंगे। अब देखना होगा कि चिदंबरम के ड्रीम बजट को मात करने वाला कोई मोदी सरकार का बजट है या नहीं, क्योंकि इस वक्त हालात भी मोदी सरकार का साथ दे रहे हैं, भले ही नसीब से। मुद्रास्फीति सबसे कम स्तर पर बनी हुई है, रुपया एक स्थिर स्थिति में है, सोने की कीमतें कम और नियंत्रित हैं, विदेशी मुद्रा भंडार सबसे मजबूत बना हुआ है, तेल की कीमतों में गिरावट के बाद कैपिटल अकाउंट डिफिसिट भी कम हुआ है, रिजर्व बैंक ने आउट ऑफ टर्म ब्याज दर घटा दी। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी कह दिया कि चीन की 6.3% की ग्रोथ को मात देते हुए भारत ने 6.5% ग्रोथ हासिल की है। मनमोहन सरकार के लिए यह ग्रोथ सपनों की तरह थी। अगर इतना सब कुछ हो गया और फिर भी नौकरियां नहीं बढ़ती तो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट नौजवानों को पूरी तरह निगेटिव कर देगा। 10 से 11 लाख युवाओं को हर महीने नौकरी की दरकार होती है और ये आंकड़ा एक साल में 1 करोड़ पार कर जाता है। और हकीकत ये है कि दुनिया को टीचर देने की बात कहने वाले मोदी जी के पास अभी इसकी 1/4 नौकरियां भी नहीं है। जिस देश को विश्व में दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में बढ़ते देखा जा रहा हो, वहां के नौजवानों को इस बजट के क्रांतिकारी होने की उम्मीद है। मेक इन इंडिया बजट होगा। कंपनियां भारत में कारखाने लगाएं तो कई निशाने साध पाएंगे मोदी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर
रक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को कारोबार का न्योता जैसे कई काम मोदी मेक इन इंडिया से पूरा कर पाएंगे। प्रधानमंत्री के मुताबिक 80,000 करोड़ की रक्षा संबंधी मैन्युफैक्चरिंग से 1,25,000 हाई स्किल नौकरियां पैदा हो जाएंगी। इसके अलावा विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। गांवों और किसानों के लिए कोई बहुत बड़ी योजना लानी होगी, न कि कड़वी गोली, पैसे पेड़ पर नहीं उगते जैसे जुमले कहकर अच्छे बजट को पेश कर दिया जाए। जिन करोड़ों लोगों ने मोदी पर भरोसा किया और 30 साल बाद किसी पर इतना विश्वास जताया, उसे धक्का न पहुंचाया जाए इस बजट में, तो मोदी के लिए अच्छा होगा। स्पेशल डेस्क समाचार प्लस।